दिस इज देवाशीष एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बोंगो स्वैग। काफी लोगों को पता है कि मैं एक केकेआर का फैन हूँ। तो आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मैं केकेआर का फैन कैसे बना। I want to tell you that I am a शाहरुख खान फैन। शाहरुख खान मेरा आइडल है, मैं उनको एक भगवान की तरह मानता हूँ। साल था 2007, शाहरुख खान ने केकेआर लॉन्च किया। एक तो मेरी अपनी शहर और दूसरा शाहरुख खान, तो कैसे मिस करता मैं ये चांस। मैं बन गया केकेआर फैन। शुरू हुआ फर्स्ट आईपीएल, फर्स्ट मैच केकेआर वर्सेस आरसीबी। ब्रेंडन मैकलम ने धमाकेदार 158 नॉट आउट का बारी खेली। वो क्या दिन थे यार। उसके बाद से तो हमने दिल दे बैठे केकेआर को, पर कुछ सीजन्स केकेआर ने अच्छा नहीं खेल पाया। पर हमने भी कहा इसको छोड़ना था, हम भी थे डटे हुए फैन। कोलकाता नाइट राइडर्स को मैंने अपना फैमिली मान लिया। और फिर आया 2012, बुरा वक्त खत्म। उस साल केकेआर ने पहली बार आईपीएल लिफ्ट किया, चैंपियन बने हम। और हमने अपने आंसुओं से उनका स्वागत किया। और उसके बाद से केकेआर बन गए एक टीम, एक टीम की तरह परफॉर्म करते रहे। हारे भी एज ए टीम, जीते भी एज ए टीम। फिर आया 2014, केकेआर ने फॉर द सेकेंड टाइम आईपीएल चैंपियन बने। और वो भी क्या साल था। पता है उस साल क्या हुआ था? उस साल इलेक्शंस के कारण पहले 9 मैच साउथ अफ्रीका में हुआ था, और उन 9 मैचों में 8 मैच केकेआर हार गए थे। पर जब इंडिया वापस आए केकेआर, तब सब मैच जीत के वो बने 2014 का चैंपियन। इसी बात से एक लाइव लेसन मिलता है, जो कि मुझे मिली कि कभी हार के हार मत मानना। केकेआर से जुड़ी बहुत सारी मेमोरीज आपको बतानी है। अगर आप एक केकेआर फैन हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मुझे और ये वीडियो लाइक कीजिए। और अगर आप आईपीएल के फैन हो, फिर भी आप मुझे सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।